बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू अंडे की भुजिया। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत आसान है बनानी। दो तीन आलू लिए, दो टमाटर लिए, दो चार हरी मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ की प्याज। अब हम आलूओं को काट लेंगे, टमाटर भी काट लेंगे, फिर इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें भूनेंगे। ये देखें जी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और आलू हमने बारीक बारीक काट लिए। इसको हम अब फ्राई पैन में पकाएंगे और इसमें डालेंगे, जब ये थोड़े से गल जाएंगे तो इसमें डालेंगे ये मसाले। आधी चम्मच जीरा सफ़ेद, आधी चम्मच कुटी मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही नमक। नमक हसबे ज़ायका कर लें। बहुत ज़बरदस्त भुजिया बनेगी, घर में बनाया करें, बहुत मज़े की बनती है। अभी हम बनाते हैं। ये देखिए, तीन चार चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये देखिए, तीन चार चम्मच ऑयल डाल के इसमें हम आलू डाल के आलू को दो तीन मिनट के लिए भुनेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। इसको तीन चार मिनट भून के फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। देखिए, आलू तीन चार मिनट के लिए हमने फ्राई किए, उसके बाद उसमें डाल दिया प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। इसको मज़ीद तीन चार मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डाल के तीन चार मिनट के लिए फिर पकाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनते, वो फिर जल जाता, फिर अंडे की भुजिया जो होती है ना, उसका टेस्ट नहीं सही आता। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने सिखाऊंगा, या आपने वीडियो पूरी देखनी है। सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया। अब हम इसको ऊपर से दो तीन मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि हमारी सब्जियां गल जाए। या आलू, प्याज, टमाटर वगैरह गल जाएंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तीन चार मिनट के लिए इसको ढाँप के रखना है। जब हमारी सब्जियां आलू, टमाटर, प्याज अच्छे से गल जाएंगी, फिर उसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले डाल के दो तीन मिनट के लिए भूनना है, फिर उसके बाद हम डालेंगे उसमें चार अंडे। बहुत ज़बरदस्त भुजिया बनने वाली है, खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। टमाटर के पानी में आलू गल जाते हैं, इसमें पानी नहीं डालना। प्याज भी गल जाता है, जो अब हमारे भून चुके हैं, उसमें हम अब डालेंगे मसाले। ये सारे मसाले डाल दिए। मसाले डाल के इसको दो तीन मिनट के लिए मज़ीद भुनेंगे। चार अंडे डालेंगे अच्छे से फेंट के, फिर इसमें डालेंगे। ये हमने मसाले को ठंडा करके थोड़ा सा उसमें डाल दिए हमने चार अंडे, वो अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको पाँच मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देंगे। ये और दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे। इस तरह ये घी वगैरह भी ज़्यादा नहीं बाहर निकलता, और घी भी कम यूज़ होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम नाश्ता करेंगे। ये देखें जी, अंडे की भुजिया तैयार हो गई। अब हम नाश्ता करेंगे। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनी है, ज़रा भी घी नहीं छोड़ा इसने, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे स्लाइस के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा।